राधे 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 राधे। कल श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को भगवान की महिमा बताते हैं और बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों पे कृपा तो करते ही हैं, शरणागत आए हुए दैत्यों पे भी कृपा करते हैं। परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से पूछा, प्रभु ये शरणागति किस किस प्रकार से होता है? श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित शरणागति मनुष्य प्रेम से, भय से और अहंकार से भी होता है, क्रोध से भी हो जाता है, लोभ से भी हो जाता है और मोह से भी हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परंतु इन सब में भेद है। कंस आदि असुर भगवान से, भगवान के शरणागति में ही थे, लेकिन ईर्ष्या और क्रोध के वश। और अहंकार भी था उन पे। याद तो भगवान श्री कृष्ण को ही करते थे वो, परंतु ईर्ष्या और क्रोध और अहंकार के वश। ऐसे ही जितने भी दैत्य भगवान ने मारे, वो सभी दैत्य भगवान से कटुवत भाव लेके गए, मारने की इच्छा से गए। अर्थात क्रोध को और अहंकार को लेके गए। ध्यान देने की बात है कि जब वो भगवान को मारने के लिए पहुंचते हैं या चलते हैं, तो वो सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, तो वो अपनी रटी हुई किताबों को, रटी हुई प्रश्न के उत्तर को ही ध्यान में रख के जाता है। ऐसे ही दैत्य लोग जब भगवान के पास पहुंचते थे, तो उनके मन में, बुद्धि में, चित्त में सिर्फ भगवान ही होते थे। तभी तो भगवान उन्हें गति देते थे। अन्यथा गति देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। परम गति जो अजामिल को मिला, वही गति दंत बक्र को भी मिला, कुबल या फिर हाथी को भी मिला, मुष्टिक को भी मिला। तो क्यों मिला? क्योंकि उनके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में कृष्ण ही समाया हुआ था, और मरते समय वो कृष्ण
कंस भी जब मरा तो कृष्ण कृष्ण करके ही मरा। शिशुपाल जब मरा वो भी कृष्णमय मरा, कृष्ण कृष्ण कह के ही मरा। कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके शरीर से एक देदीप्यमान तेज निकला और सबके देखते देखते भरे हुए सभा में वो तेज आकर के भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाता है। इतना एकाग्र चित्त थे वो लोग। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान की भक्ति में जीव एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है और रजोगुण तमोगुण की न्यूनता कमी हो जाती है उसके अंदर, सिर्फ सतोगुण रह जाता है, तो वही भक्त प्रधान भक्त बन जाता है। और ऐसी ही भक्ति के कारण भगवान उसको अपना सर्वस्व दे देते हैं। भगवान कोई भेद नहीं रखते फिर उससे। कोई भी भेद नहीं रखते। गोस्वामी जी ने लिखा और बोला, सोई जानई जेही देहू जनाई, सोई जानई जेही देहू जनाई, सोई जानई जेही देहू जनाई, सोई जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत ब्रह्म को जीव जो जाने ब्रह्म को, ब्रह्म सब होवे जी, ब्रह्म सब होवे जी, जीव ब्रह्म जीव में, जीव ब्रह्म जीव में, एक दूजे में खोवे जी, एक दूजे खोवे जी, एक बार भेद नहीं है, एक बाल भी भेद नहीं है, जो तू राम को जाने, जो तुम राम को जाने, तुम में तुम रमते राम में, तुम मेरा तुम रमते राम में, वेद पुराण बखान
पुराण बखाने का फल बस एक है प्यारे सबका फल एक है प्यारे अंतर राम पहचान जी अंतर राम पहचान गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे प्राण प्यारे हरे मुरारे हे प्राण प्यारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब तक यह जीव साक्ष्य होकर के ईश्वर को साक्षी नहीं कर लेता तब तक ही सारी द्वंद है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैं तुम्हें ऐसे ही अकिंचन भगवान के अनन्य भक्त की एक कथा सुनाता हूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में धर्मराज की स्थापना कर दी उस समय वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने गए। वहां पे अनेक विद्यार्थी उसी समय में विद्या ग्रहण करते थे और उसी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करता था। भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही सभी ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, परंतु सुदामा उन सब में कुछ अलग ही था। त्रिकाल संध्या करता और भगवान से हमेशा हसमुख होकर के बातें करता, नाना प्रकार की कथा
पुराणों का चिंतन और श्री कृष्ण से प्रेम। भगवान ने भी उसे अपना मित्र प्रेम प्रदान किया। दोनों एक साथ रहते, भोजन शयन और सारे कर्म जो गुरुकुल में होते थे, साथ में लकड़ी लाने जाना, साथ में गोबर से आश्रम की पुताई करना, अन्न आदि का मनिया करना, विद्या धन योग, अस्त्र शस्त्र का विद्या सब साथ में ग्रहण करते थे। घनिष्ठ प्रेमी थे दोनों। समय आया और भगवान श्री कृष्ण अपने राजकाज में वापस आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक बार लकड़ी लेने के लिए वन में गए थे। जब वन में जाते थे तो गुरु माता उनके लिए चबेना दे देती थी साथ में, ताकि भूख लगे तो रास्ते में या वन में खा ले। लकड़ी इकट्ठा किए और बरसात हो गया, दोनों वृक्ष पे बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नीचे और सुदामा जी ठीक उनके ऊपर बैठे हुए हैं। मित्रता में और समर्पण में ज्यादा भेदभाव नहीं होता। सुदामा जी अपना दोनों चरण भगवान के दोनों कंधे पे रखे हुए हैं और अपने गमछे को ऊपर करके, ताकि बारिश की बूंद ना उनको लगे ना कृष्ण को लगे। भगवान कभी कभी प्रेम से उनके चरणों को दबाते हैं। सुदामा जी बोलते, ये क्या कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है तू, तलवे में उंगली करो ना तो ऐसे गुदगुदी लगती है ना। तो आपस में खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण गुरु माता ने जो चबेना दिया है खाओगे? कृष्ण ने कहा, नहीं तुम खा लो। सुदामा जी को भूख लगी थी, एक खा लिया और उन्होंने सोचा, और भगवान श्री कृष्ण थोड़े ऐसे सोने जैसे भाव भाव बना लिए। सुदामा जी ने सोचा कि उसने बोला कि तुम खा लो मतलब सब खा लो, और कहावत भी है, हाथ सूखा और बाभन भूखा। श्री राम। सुदामा जी ने वो भी खा लिया। जब खा लिए तब भगवान बोलते हैं, सुदामा चबेना देना। सुदामा बोले, वो तो मैं खा लिया। भगवान ने कहा, तुमने दूसरे का अंश क्यों खाया, और खाने से पहले तुम्हें पूछना चाहिए था। सुदामा जी ने कहा, तुम ही तो बोले थे सब खा लो। भगवान ने कहा कि यह कार्य तुमने दरिद्रों जैसा किया है। भगवान श्राप नहीं देते, उन्होंने इतना ही बोला पर्याप्त है। और सुदामा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्षमा मांगा उन्होंने। सुदामा जी जब घर आए तो उन्हें बहुत ही
गरीबी दरिद्रता का दुख उठाना पड़ा, परंतु जो परम धन है वो सुदामा जी के पास ही था। वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहते थे। खाना पीना बचपन का संग, खाना पीना बचपन का संग, कौतुक को करे आदि जी, कौतुक को करे आदि जी, धन धन सुदामा, धन धन सुदामा, धन धन सुदामा, धन धन सुदामा। धन धन सुदामा, धन धन सुदामा, धन धन सुदामा, धन सुदामा। भक्ति का प्रेम प्रसाद जी, भक्ति का प्रेम प्रसाद, चलते फिरते उठत बैठत, चलते फिरते उठत बैठत, जपे कृष्ण के नाम जी, जपे कृष्ण मई जी, जीवन है सुदामा की, कृष्ण मई जी, जीवन है सुदामा की, कृष्ण मई जी, जीवन है सुदामा के, कृष्ण मई जी, कृष्ण ही उनके पहचान जी, कृष्ण ही उनके पहचान जी, कृष्ण ही उनकी पहचान जी, कृष्ण ही उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। आते ही पिता ने विवाह कर दिया, गुरुकुल से आते ही छोटे छोटे बच्चे भी हो गए और
दरिद्रता भी बढ़ती गई। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे वो, हर इच्छा से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। यहां तक कि उनकी पत्नी आसपास के घरों में जाकर के काम करके दाना पानी लाती थी और उसी से उनका भोजन आदि का व्यवस्था होता था। ऐसा भी कथा में सुना गया है कि जब खेत कट जाते थे तो खेत में गिरे हुए अन्न को भी चुग करके लाते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। और सबसे बढ़िया बात क्या था कि रोज रात को सोने से पहले सत्संग करते थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने बच्चे और पत्नी को सुनाते थे। एक दिन पत्नी ने पूछा, स्वामी इस समय श्री कृष्ण कहाँ है? सुदामा ने बताया, इस समय वो द्वारिकाधीश है, द्वारकापुरी में उनका साम्राज्य है। पत्नी ने कहा कि इतने बड़े स्वामी के आप इतने परम मित्र हैं, एक बार उनसे जाके मिल तो लेते। सुदामा जी ने कहा, प्रिय मुझे मिलना तो है परंतु मैं कैसे मिलूं उनसे। उन्होंने सारी वो बातें बताई, कैसे मैंने दाना चबेना खाया और भगवान को दुखी किया मैंने। पत्नी ने बोला कि तुम तो रोज क्षमा मांगते हो। सुदामा जी ने कहा कि क्षमा मांगना सफल तो तब है जब जिससे क्षमा मांगा जाए वो क्षमा कर दे। पत्नी ने कहा, आप ही तो कहते हो बहुत ही दयालु हैं। सुदामा जी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर पत्नी ने कहा कि तब तो अवश्य ही वो आपको क्षमा कर दिए हूं। सुदामा जी बोले, हाँ क्षमा कर दिए। पत्नी ने बोला, तब तो आपको जाके उनसे मिलना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, नहीं मित्र से तो मिलना चाहिए क्योंकि पत्नी बहुत कष्ट उठा रही थी। वो भी पतिव्रता थी और साथ में सारा आहार विहार जितना था घर का सारा व्यवस्था करना। सुदामा जी तो कोई आ गया पत्री दिखवाने, कोई आ गया इस तरह से देख लिए, हरि नाम कर लिए, संकीर्तन कर लिए, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। हाँ अगर खेत कटी है कहीं तो चले जाते थे, खेत में जो बिखरे हुए दाना होते थे, गेहूं है उसका बाल गिरा हुआ है, तो राम जी का चिड़िया राम जी का खेत जी, राम
जी की चिड़िया, राम जी का खेत जी खा ले चिड़िया, भर भर पेट जी खा ले चिड़िया, भर भर पेट जी राम ही खाना राम ही पीना, प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पत्नी ने कहा कि आप परसों श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बोला, अरे ऐसे ही अचानक? बोली हाँ। थोड़ा घबराए, आंख चुराने लगे। पत्नी ने बोला, मैंने सब व्यवस्था कर दिया है श्री राम। पत्नी ने समझाया बुझाया, मनोबल बढ़ाया और बोली, जाके मिलिए। बोले कि किस लिए? बोले कि मित्र हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा, आप उनके परम पित्र होकर मित्र होकर के आज तक नहीं मिले हैं। अंतर भाव में तो था कि इस दरिद्रता से कब बाहर निकले हम, समझ रहे हैं ना? लेकिन सुदामा जी के अंतर भाव में ये नहीं था, उनकी पत्नी की इच्छा थी। तीन मुट्ठी चावल दीनो, तीन मुट्ठी चावल दीनो, आचर दियो फार, तीन भाग बनाए के दिए पति के। हाँ।
ये बोली ये 3 मुट्ठी द्वारिकानाथ के लिए है और अलग से आपको रास्ते में खाने के लिए। सुदामा जी रोने लगते हैं उस समय। भाव विह्वल हो जाते हैं। प्रेम है। सुदामा जी इसलिए नहीं कि गरीबी है अमीरी है, इसलिए नहीं, तो श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं। शरीर से बहुत दुर्बल थे वो, उनकी हड्डियां कीर्तन करती थी, मांस तो था ही नहीं शरीर। सुदामा जी नगर से गांव से बाहर निकलते हैं, फिर वापस होने लगते हैं। पत्नी साथ में जाती है कि ये वापस आ जाएंगे, उसको पता है। छोड़ने के लिए जाती है बहुत दूर तक, बच्चे भी साथ। और सुदामा जी मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद 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 प्यारे, गोविंद 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 प्यारे, अरह सुदामा तेरे द्वारे, अरह सुदामा I'm
जर जर तन है निर्मल मन है, जर जर तन है निर्मल मन है। कृष्ण मिलन की आस बनी है, कृष्ण मिलन की आस चल के द्वारिका को आए, दिन रात चल के द्वारिका को आए। आके समुंदर में खूब नहाए, आके समुंदर में खूब पोटली को आँख में दबाए, चावल की पोटली को आँख में दबाए। कहाँ है कन्हैया मेरा किधर को जाए, जैसी महल सब एक जैसी अटारी, एक जैसी महल सब एक जैसी अटारी। सुंदर एक जैसे महल सब एक जैसी अटारी, एक जैसी
जैसे पुरुष दिखे एक जैसी नारी एक जैसे पुरुष दिखे एक जैसी नारी सब कोई करते हैं रथ पे सवारी 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 समझ न आवे थक गए जपने लगे जय श्री कृष्ण रामा जपने लगे जय श्री कृष्ण रामा श्री हरि सुदामा जी देखते हैं सब एक जैसे दिख रहे हैं किससे पूछें ये सत्य है गांव से कोई आता है शहर में शहर के आदमी से बात करने में डरता है पता नहीं कौन सी भाषा बोलना पड़े अगर गांव का कोई दिखे तो तुरंत पकड़ता अरे भैया सुनो सुनो श्री राम अब सुदामा जी अचंभित हो रहे हैं और जब कुछ समझ में नहीं आया तो जपने लगे मन में हरे कृष्ण रामा जपने लगे मन में हरे कृष्ण रामा गोविंद गोविंद हरे मुरा सुदामा जी जहाँ बैठे थे वहीं भगवान का द्वार था द्वार का कपाट बंद था पास में द्वार खुला कड़कड़ 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 आवाज हुई सुदामा जी देखे अंदर से दरवान निकले सुदामा जी डर गए दरवानों ने कहा अरे ब्राह्मण देवता भयभीत मत होइए उन्होंने पूछा अरे भाई मैं बड़े दूर से आया हूँ बड़ी थक गया हूँ आप बता सकते हैं हमारे श्याम सुंदर हमारे प्रभु कहाँ रहते हैं द्वारपाल पूछते हैं आपके प्रभु का नाम क्या है श्री सुदामा जी कहते हैं श्याम सुंदर है ओ मनमोहन सी श्याम सुंदर है ओ मनमोहन सी
सुंदर है ओ मन मोहन जी, श्याम सुंदर है ओ मन मोहन जी। श्री कृष्ण है उनका नाम जी, श्री कृष्ण है बलराम जी उनके बड़े भैया है, बलराम जी उनके बड़े भैया है। रहते हैं द्वारकापुरी राम जी, दर्शन करने को आया हूँ, दर्शन करने को आया हूँ। और द्वारपाल बोला, अरे वाह कैसी मित्रता है। कैसी मित्रता है, द्वारकाधीश के ऐसे भी मित्र होते हैं। श्री राम, द्वारपाल भी बहुत बुद्धिमान होते थे भगवान के। जिसके द्वारपाल जय और विजय हो, और ऋषि मुनियों का प्रताप तो देख ही चुके हैं जय और विजय ने। श्री राम, द्वारपाल ने कहा अवश्य आप कोई महान पुरुष लगते हैं, आप इतने दिन कहाँ रहे, आपका नाम अभी मैं भगवान को सूचित करता हूं। हाथ जोड़ के विनती की, जदुनाथ के प्रिय द्वारपाल जी, जदुनाथ के प्रिय द्वारपाल जी, आके भवन में आसन पे बिठाए, आके भवन में आसन पे सूचना देता हूँ तत्काल जी, सूचना देता हूँ तत्काल जी। और द्वारपाल गया, उस समय भगवान स्नान करके मुकुट आदि धारण कर रहे थे, रुक्मिणी जी भगवान को तिलक लगा रहे थे। भगवान नित्य उपासना, गायत्री जाप करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, भगवान की तिलक लगा रही हैं रुक्मिणी जी। भगवान के दाहिने आंख फड़कने लगते, फड़क रहे हैं श्री, और भगवान बोलते हैं रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी आज मुझे लग रहा है मेरा कोई बहुत प्रिय आने वाला है या प्रिय मिलने वाला है। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु स्वामी आप सबके प्रिय हैं, और आपसे जो भी मिलता है वो आपका प्रिय ही होता है। भगवान बोलते हैं नहीं, आज तो कुछ विशेष प्रिय आने,
इतने में द्वारपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान ने बोला बोलो। द्वारपाल ने कहा स्वामी एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए हैं और वो बताते हैं वो आपके बाल सखा हैं, आपके परम मित्र हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मैं बोल रहा था ना। रुक्मिणी जी बोली ये है कौन? बोली अब तो मैं मिल के ही बताऊं। भगवान ने रुक्मिणी जी को छोड़ दिया। श्री भगवान का प्रसाद रखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिए। यहां तक कि भगवान सूरदास जी कहते हैं चल पड़े ठाकुर बिना पनहीं के, चल पड़े ठाकुर बिना पनहीं। पनहीं मतलब पादुका, पादुका भी नहीं पहले भगवान। चल पड़े ठाकुर बिनो पनहीं के, चल पड़े ठाकुर बिनो पनहीं। बिहवल बोलत सुदामा भक्तवत्सल सुखदामा जी, भक्तवत्सल सुखदामा जी, देखे सुदामा के चरण लिपट गए, देखे सुदामा लिपट गए, देखे सुदामा को चरण लिपट गए। गोद में लिए उठाई जी, गोद में लिए उठाई जी, कहते सुदामा जी कहते हैं अरे, कहते सुदामा छोड़ो मेरे प्यारे, कहते सुदामा छोड़ो मेरे प्यारे, कुछ तो शर्म करो भाई तो शरम करो भाई जी, तुम हो राजा हम दीन ब्राह्मण, तुम हो राजा हम दीन ब्राह्मण, तुम हो
भगवान गोद में उठा लिए सुदामा जी। सुदामा जी बोलते, अरे छोड़ो, तुम राजा हो, मैं दीनहीन ब्राह्मण, शर्म तो करो, लोग क्या कहेंगे तुम्हें। भगवान हंस रहे हैं, अरे मेरा सुदामा, मेरे सुदामा, मेरे सुदामा। गोद से फिर कंधे पे चढ़ा लेते हैं और भगवान मस्ती में, ओ मेरे श्याम सुंदर, जोर जोर बोले, मेरे श्याम सुंदर, जोर जोर बोले, आए मेरे सखा सुदामा जी, आए मेरे सखा सुदामा जी। सुनो सब रानी, सुनिए रुकमणी, सुनो सब रानी, सुनिए रुकमणी, सुनो सुनो सतभामा जी, सत्यभामा जी। सब रानियों को, पटरानियों को, सबको बुलाने लगते हैं, अरे देखो कौन आया है, कौन आया है। सब आके खड़ी हो जाती हैं, देखती हैं भगवान। रुक्मिणी जी कहती हैं, दयालु हो तो ऐसा हो। सब हंसने लगती हैं। भगवान सुदामा जी को नीचे उतारते हैं, अपने सिंहासन पे बिठाते हैं। मणियों से जड़ी हुई परात लाते हैं। सुदामा जी से पूछे, नहा लिए हो? हाँ भैया नहा लिए हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ का पानी नमकीन है। बोले कहाँ ने आए थे? बोले अरे वो बहुत बड़ा तालाब बनाए हो ना, उसी में। अरे वो समुंदर है। बोले उसका पानी नमकीन था। बोले हाँ नमकीन ही होता है, चलो दोबारा नहला देते हैं मीठा पानी से। श्री राम जी, भगवान ने सुदामा जी को पूरा स्नान कवर करवाया, चरण धोना तो छोड़, इत्र लगाया, फूले लगाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया। सुदामा जी संकोच के मारे लज्जित हो रहे हैं, भगवान उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने बहुत प्रेम किया। जब नहलाने नहला रहे थे भगवान, तो एक हाथ तो ऊपर करके धोए और दूसरे हाथ को ऐसे करें। भगवान ने कहा, श्री राम। भगवान ने कहा, हे मित्र सुदामा, तुम कुछ छुपा रहे हो, क्या है तेरे कांख में, क्यों नहीं बतला रहे हो। सुना है तूने विवाह भी कर लिया, कैसी है मेरी भाभी, मेरे लिए कुछ भेजा है या ऐसे ही तुझे भिजवा दी। श्री सुदामा जी बोले, नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं। इतना ऐश्वर्य देख के उनको लगे कि ये चावल वो भी पसीने में कब से भीग रहा है, जब से चले हैं तब से उस सारा चावल ही नमकीन हो रखा है। श्री राम। भगवान ने कहा, सुदामा जी बोले हाँ, बोलिए जय जय श्री राम। भक्त सरल स्वभाव के होते हैं। सुदामा जी जय जय श्री राधे, इतने में भगवान ने चावल श्री राम।
सुदामा जी पकड़ने लगे, अरे नहीं ये तुम्हारे योग्य नहीं है। भगवान ने कहा प्रेम ही खाता पीता हूँ मैं, प्रेम ही खाता पीता हूँ मैं, भाव भाव में हूँ। प्रेम में चलता फिरता हूँ मैं, प्रेम में जागूं सोऊं। सुदामा मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा हूं, लेकिन प्रेम में सब कुछ खाता हूं, पीता हूं, पहनता हूं, सोता हूं, जागता हूं। अब तो नहीं मिलने वाला। भगवान ने खोला रस खान ने कहा है खोली गांठ तंदूल की, खोली गांठ तंदूल की, मुख में लियो झार। ऐसे श्रीमद सूदन पे जाओ सभी बलिहार। एक भी दाना बाहर नहीं गिरा, सारा का सारा मुख में झार। दूजा गांठ खोली के द्वारिका नाथ ने खायो, रुक्मिणी हाथ पकड़ लीनी, जब तीजे को हाथ लगायो। बस करो बस करो द्वारिका नाथ, कुछ तो राखो मेरे काज। ऐसी प्रेम भक्त भगवान की, करो समर्पण समझ में आत। समझ में तभी आता है जब समर्पण हो। छप्पन प्रकार की भोग बनी, छप्पन प्रकार की, छत्तीस प्रकार की, छप्पन प्रकार की भोग बनी, छत्तीस व्यंजन बनाए। द्वारिकानाथ ने अपने हाथों श्री सुदामा को खिलाए। सुदामा जी को खिलाते और दोनों बैठ करके वही बचपन की बातें याद करने लगते हैं। सुदामा तुम्हें याद है जब हम जंगल में लकड़ी बीनने जाते थे, तुम अपने सर पे एक भी एक छोटी सी लकड़ी रखते थे और सारे मेरे ऊपर लाद देते थे। सुदामा बोलते, अरे भाई ऐसी बातें क्यों याद करते हो तुम, बचपना था वो। भगवान ने कहा यही तो याद करने की बात है। अच्छा अच्छा तुम्हें याद है एक बार माटी लेने गए थे हम लोग। बोले हाँ गए थे। तो बैल लेके गए थे। हाँ हाँ तो बैल पे माटी लाद के भेज दिए थे और बाकी माटी तुमने हमारे ऊपर लाद दिया था। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया वो तो बचपन की बात है। श्री राम। इस तरह से भगवान और सुदामा जी आपस में बात। सुदामा जी अभी खुल नहीं रहे भगवान से, डर रहे हैं। और जब तक भय रहती है तब तक भगवान श्री राधे। और भगवान एक एक करके उनके
परत को खोलते 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 3 दिन बीत गए, भगवान कहीं नहीं गए, सारा राजकाज कैंसिल कर दिए। बोले बस अब तो मैं सिर्फ सुदामा के पास रहूंगा। जब सारे रहस्य खुल जाते हैं, सुदामा पूर्ण समर्पित हो जाते हैं सुदामा को, ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। यह श्याम सुंदर तो जो गुरुकुल में था वही श्याम सुंदर है। इसीलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में सभी चीजें परिवर्तनशील है, एक ही है जो कभी परिवर्तन में नहीं जाता ना होता है, और उसी का नाम परमात्मा है। इस प्रकार भगवान और सुदामा जी के अंतरंग प्रेम लाभ लेते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, सुदामा तुम कुछ चाहिए तो बोले, दर्शन पायो नाथ तुम्हारी हम भय पूरन काम, अब कछु मांगो श्याम तो हो जाऊं बदनाम। हे प्रभु, मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया, पूर्ण काम हो गए, अब मांगने को रह क्या गया है। भगवान ने बड़ा प्रेम दिया। सुदामा जी बोले, भाई अब मुझे घर जाना है श्री राम। भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि मित्रता में कुछ दिया ही नहीं जा सकता। देने से मित्रता छोटी पड़ जाती है। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया अपने सारथी दारुक और उद्धव जी को भेज करके सुदामा जी के स्थान पे सुंदर महल एक रात में ही बनवाया। और इधर से सुदामा जी को अपने सारथी दारुक के साथ भेजते हैं और पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर सुदामा जी रथ पे बैठ करके जाते हैं, हवा की तरह रथ उड़ रही है, और थोड़े समय में ही अपने नगर पहुँचते हैं। इधर उधर को देखन लागे, इधर उधर को देखन लागे, उधर उधर को देखन लागे, उधर उधर को देखन लागे। कहाँ गई गाँव नगरिया जी, कहाँ गई गाँव नगरिया जी, कहाँ गई गाँव नगरिया जी, कहाँ गई गाँव नगरिया गई मेरी प्यारी पत्नी, कहाँ गई मेरी प्यारी पत्नी, कहाँ गई मेरी झोपड़ी आजी, कहाँ गई मेरी झोपड़ी उधर उधर को
चलावे इधर उधर को रथ को चलावे। सुबह से हो गई दोपहरिया जी, सुबह से दोपहर हो गया, देखे हमारी झोपड़ी गांव कहाँ गया सब। तब देखते हैं गांव का एक आदमी पहचान वाला लगा, रोके, अरे भैया रुकना रुकना, तुम तो इसी गांव के, इस गांव के रहने वाले हैं। बोला हाँ। बोले भाई सुदामा जी शायद इसी। बोले हाँ हाँ रहते थे, अब तो सुदामा कहाँ, अब तो मालो माल हो गए भैया, और उनके भाग से तो हमारे भाग भी चमक गए, पूरे गांव में पक्का घर बन गया है। बोले सुदामा जी को जानते भी हो तुम? बोले हाँ, दिखते तो आप ही जैसे हैं, वो आप कौन हैं? बोले भैया मैं ही सुदामा हूँ। बोले अच्छा, तभी तो रथ में घूम रहे हो महल बनवा के। बोले महल बनवा के? बोले अरे भाई क्या मजाक कर रहे, बड़े होने पे मजाक करने की आदत बन गई, पहले तो तुम बड़े सीधे साधे थे, पहले तो तुम राम मुँह, पहले राम मुँह फिर बोलते थे, अब तो तुम बदल ही गए, सुदामा ही हो ना? बोले हाँ हूँ तो सुदामा ही। श्री रथ को ले के द्वार पे पहुँचे, रथ पे ले के द्वार पे पहुँचे, स्वागत किए श्री भगवान जी, स्वागत किए श्री भगवान जी, ऐसी है भक्ति ऐसी मित्रता है, ऐसी है भक्ति ऐसी मित्रता है, कैसी है भक्ति कैसी मित्रता है, कैसी है भक्ति कैसी मित्रता है। प्रेम करो तो जान जी, प्रेम करो सुदामा को, दिए आखो ईश्वरीय सुदामा को, दिए आठो ईश्वरीय सुदामा को, दिए आखो ईश्वरीय सुदामा को। द्वारिकानाथ श्री भगवान जी, द्वारकानाथ श्री भगवान जी, सुन लो सभी कोई, भगवान प्रेम प्रधान जी, भगवान प्रेम प्रधान जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
हमने सारा ईश्वर सुदामा जी को प्रदान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं वह परमात्मा सिर्फ प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है, हे परीक्षित। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पे कृपा किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगने वाला था, सभी यदुवंशी सूर्य ग्रहण नहाने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। उसी समय सारे ब्रजवासी भी देवकी जी, वासुदेव जी, नंद बाबा सभी लोग कुरुक्षेत्र नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ब्रज की सभी गोपियाँ, ग्वाल बाल, बाल सखा भी पहुँचते हैं। कुरुक्षेत्र में सभी का मिलन होता है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि उसमें श्री राधा जी भी भाग लिए थे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियाँ श्री राधा जी से मिलना चाहती हैं। क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विश्राम तो रुक्मिणी के साथ करते हैं, लेकिन जब भी करवट लेते हैं तो श्री राधे। जब भी उठते बैठते खाते नहाते श्री राधे राधे स्मरण करते हैं। सबकी इच्छा हुई कि ये राधे क्या हैं और कैसी हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। भगवान से आग्रह करके अपने पंडाल में, अपने टेंट में उनको बुलवाते हैं। अब स्त्रियों में थोड़ा जलनशील तो होती है। अब भगवान की लीला ही कहेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि राधे माता राधा जी को उन्होंने गर्म दूध दे दिया था रानियों ने, और राधा जी श्री कृष्ण करके सारी दूध पी गई थी, और भगवान श्री कृष्ण को सारे शरीर पे छाला पड़ गए थे। ऐसी हालत देख करके उनकी पटरानियों ने पूछा ऐसा क्यों। उन्होंने कहा मैं तो श्री राधे के अंतःकरण में निवास करता हूँ और राधा मेरे अंतःकरण में रहती हैं, श्री राधे। इस प्रकार सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल सभी भगवान कृष्ण से मिल करके आनंदित होते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ और द्रौपदी भी मिलती हैं और सभी आनंद को प्राप्त होता है होते हैं। उसके बाद भगवान वासुदेव जी, सुखदेव जी ने वासुदेव जी के दया द्वारा यज्ञ करवाने की कथा कही। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देने का उपदेश सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। देवकी माँ, माँ तो माँ होती हैं, उनके अंदर एक भावना छुपी हुई थी। उन्होंने सुना था कि जब श्री कृष्ण गुरुकुल में थे तो अपनी गुरु माता को उन्होंने उनके मरे हुए पुत्रों को ला कर के दिया था, और देवकी जी के अंतःकरण में ये बात थी। भगवान ने पूछा माता आप कुछ चिंतित हैं? माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम जानते ही हो तुम्हारे छह भाइयों को कंस ने मार दिया था और तुम समर्थवान हो, हमें उनसे मिलने की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जय हो मेरी माता रानी की। भगवान कृष्ण और बलराम जी तुरंत पाताल लोक में गए, महाराज बलि से मिले। बलि ने बड़ी स्वागत किया,
और भगवान ने आदेश दिया कि उन छह कुमारों को मेरे हवाले कर दो। वो श्राप बस वहाँ आ गए थे, यहाँ से कंस ने मारा और वहाँ से वो अपने पाताल लोक को चले गए। तो उसमें कहानी है कि ये छह जो हैं प्रजापति मरीचि के पत्नी के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के साथ देख करके हंस दिए थे, उसी पे ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो इस प्रकार से छहों भाइयों को ला करके उन्होंने देवकी जी को समर्पित किया। फिर वो देवकी जी से मिल करके वापस पाताल लोक में चले गए। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुभद्रा जी का हरण अर्जुन ने कर लिया था। परीक्षित जी चौंक गए, हैं ऐसे भी करते थे? हमने तो सुना था श्री कृष्ण ही हरण करते थे। श्री राधे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित थोड़ा सा असर मित्र का तो आ ही जाता है। बलराम जी सुभद्रा का विवाह कौरवों के वंश में करना चाहते थे और भगवान को ये पसंद नहीं था। भगवान चाहते थे कि अर्जुन के साथ विवाह कर लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बन रही थी। भगवान ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन सन्यासी के वेश में द्वारिकापुरी में 6 महीने तक रहे और बलराम जी के साथ उनके घर गए और सुभद्रा से प्रेम हुआ। और फिर अर्जुन एक दिन ले करके भगवान ने कहा, लेके जल्दी भाग, इनको भाग लिए। और बलराम जी को पता चला, क्रोधी होकर के बड़े जोर के पीछे भागे। फिर भगवान ने समझाया बुझाया, बोले चलिए महाराज जनक के यहाँ चलते हैं, क्या इन लफड़ों में पड़ना, बच्चों का खेल है। फिर दोनों का विवाह करवाए। भगवान उसके बाद काशी नरेश से होते हुए महाराज जनक के यहाँ जाते हैं और सुखदेव ब्राह्मण से मिलते हैं और महाराज जनक को आनंदित करते हैं। उसके बाद सुखदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। उसके बाद शिव जी का संकट मोचन का कथा सुनाया। उसके बाद भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा एवं भगवान के द्वारा ब्राह्मण के मरे हुए बालक को वापस लाने की कथा सुनाई। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समय कैसे व्यतीत होता है, मनुष्य उसे अपने ऐसो आराम और सुख दुख के जीवन में समझ नहीं पाता है। ऐसे ही यदुवंशियों के लीला और उनके साथ भगवान भी एक मनुष्य की तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं और समय निकलता चला गया। कहते हैं कि अब भगवान ने विचार किया, देखा यदुवंशी बड़े ही सबल हो गए हैं, तरह तरह के उत्पात कर रहे हैं। यदुवंशी आपस में ही कई बार भिड़ जाते थे, चाचा ताऊ में। श्री राधे। भगवान की ऐसी लीला हुई। एक दिन द्वारकापुरी में विश्वामित्र, अस्थि, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कश्यप, अत्रि, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि पिंडारक क्षेत्र में आकर ठहरे हुए थे। भगवान ने अपने पुत्र पौत्र आदि सबको बोला, जा करके वहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। यदुवंशियों के कुछ उदंड
बच्चे भी थे, उन्होंने सांब के पेट में गुदड़ी भर दिया और नकली पेट बना करके गर्भवती महिला जैसा साड़ी पहना दिया और श्री राधे वहाँ ले जा कर के पूछे। दुर्वासा ऋषि भी थे वहाँ, बड़े खतरनाक ऋषि थे। बोले ऋषिवर ऋषिवर देखिए इसके गर्भ में क्या है आप बताइए, लड़का होगा या लड़की होगा। दुर्वासा जी बोले बेटा मैं तू डाल डाल तो मैं पात पात, इसके पेट से एक मुसल निकलेगा और वो मुसल तुम्हारे जदुवंश का नाश करेगा। अब वहीं उसकी गर्भपात हो गई, गिर गया गुदड़ी, भागे वहां से जदुवंशी भागे और जा करके थोड़े दिनों में उसके पेट से मुसल निकला। अब इन्होंने क्या किया मुसल को, सोचे अब इसका नाश, तो इससे पहले ही इसका नाश कर दो, घिस घिस के समुद्र में बहा दिए और इतना बड़ा टुकड़ा भी बचा उसको फेंक दिया। उसको एक मछली ने खा लिया, उस मछली को मछली पकड़ने वाले ने पकड़ा, उससे मछली को बहेलिया ने ले लिया और जब चीरा तो वो मुसल का टुकड़ा निकला। उसने अपने तीर में लगा लिया। वासुदेव जी के पास नारद जी का जाना और वहाँ नव योगेश्वरों का संवाद सुनाने की कथा सुखदेव जी ने कही। इस प्रकार देवता लोग ब्रह्मा शिव पार्वती जी सभी देवी देवता मरुदगण ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इस पृथ्वी पर इस धरातल पे जो कार्य करने आप आए थे वो सब कार्य संपूर्ण हो गए, अब कलयुग का प्रभाव बढ़ने दीजिए, आप अपने धाराधाम में विश्राम करिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और भगवान ने कहा मैं ऐसा ही करूँगा। श्री राधे इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को संतावना दी और उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव अब मैं इस पृथ्वी से अपने लोक को जाऊंगा। उद्धव जी बड़े ही विह्वल हो जाते हैं और बिलख बिलख कर रोने लगते हैं हे प्रभु आप बड़े ही दयालु हैं। भगवान ने अपने सारे पुत्रों और मुख्य मुख्य सभी जनों का एक सभा किया और उसमें सबको आदेश दिया यदुवंशी अब हमारे द्वारिकापुरी और यदुवंश के नाश का समय आ गया है, अब तुम लोग इसे टाल नहीं सकते हो। मुसल वाली कथा भी भगवान ने कह दिया, इसीलिए प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जा कर के सभी लोग ईश्वर का चिंतन करो और मैं भी ईश्वर चिंतन आत्मचिंतन में लगता हूँ। उद्धव जी ने कहा प्रभु योगेश्वर आप चाहें तो ये श्राप मिटा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि अब ऐसा करने से यह धर्म विरुद्ध कार्य हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रार्थना करके अपने प्रिय सखा भगवान से कहते हैं हे प्रभु आप इसको टाल दीजिए,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय सखा तुमने मुझसे जो कहा ओ मैं भी वही करना चाहता हूँ, परंतु जो नियम है प्रकृति का वो नियम भी हमने ही बनाया है। परमात्मा कभी अपने बनाए हुए मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलता। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अब तुम भी जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करो, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा तो समुद्र द्वारकापुरी को श्री राय। उस समय सुखदेव जी मोह में पड़ गए और भगवान से बिलख बिलख करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है और मैंने इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए हैं, फिर भी आपकी भक्ति आपका प्रेम मुझे प्राप्त है। हे नारायण, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं तो संसार के बंधनों में मोह में पड़ा हुआ हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य, यह जगत क्या है, ये क्या हो रहा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इन बातों में पढ़ करके अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है। महात्मा लोग इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये भगवान दत्तात्रेय और राजा यदु की संवाद की कथा है। राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करके वन में पूछा था, हे ऋषिवर, आप इस निर्जन वन में रहते हैं, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट है, यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु भी नहीं है, ना मैं आपको चिंतित देख रहा हूँ, ना मैं आपको भयभीत देख रहा हूँ, ना आप में कोई शोक है, ना आप में कोई भय है, आप कौन हैं और इस प्रकार से आप इस घने जंगल में विचरण कर रहे हैं। उस समय भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैं अपनी विवेक बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया हूँ और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मैंने सबका निचोड़ निकाल करके आत्मतत्व में स्थित हो करके निर्भय हो करके विचरण करता हूँ। अगर मैं हूँ तो मरूँगा, जब मैं हूँ ही नहीं तो ना मरूँगा, इसलिए मैंने अपने मैं को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार फिर दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं, फिर उन्होंने कहा, राजा यदु ने पूछा, गुरुओं का अर्थात आपके कई गुरु हैं। उस समय दत्तात्रेय जी ने बताया, मेरे 24 गुरु हैं श्री राम। कितने गुरु हैं? 24 श्री राम। प्रथम गुरु मेरी पृथ्वी, जो न त्यागे कभी धीर, सदा एक रस स्थिर रहे, चाहे कोई डाले चीर।
उन्होंने कहा मेरी प्रथम गुरु पृथ्वी है जो सदैव स्थिर रहती है, धैर्य पूर्वक रहती है और पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्षों से परोपकार की शिक्षा लिया, इसलिए मैं इन्हें अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। शरीर के अंदर प्राण वायु आहार मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु मनुष्य अनेक प्रकार से भोजन की यात्रा करता है। हे यदु, मेरे दूसरे गुरु हैं वायु। शीतल मंद सुगंध वहे क्या नदी क्या नारा, हरदम परम पवित्र रहे चाहे गंगा चाहे जमुना किनारा। पवन सब गंधों को लेके बहते हैं परंतु हमेशा पवित्र रहते हैं, ऐसे ही योगी साधक सर्वत्र विचरते हैं परंतु वो किसी में लिप्त नहीं होते हैं और हमेशा ही पवित्र रहते हैं। तीसरा गुरु आकाश है जो सबसे है अछूता, जल शोषण करे ग्रहण करे वह बारिश बन के है चूता, जो ले वे लौटा देता है और रहत है अछूत रे, इसीलिए ये परम गुरु मेरे काम है इनके अद्भुत रे। इस प्रकार में तीसरा गुरु आकाश को मानता हूं जो जल ग्रहण करते हैं और उन जल को बारिश बना करके गिरा देते हैं और अछूता रहते हैं, किसी से कोई संपर्क ही नहीं है इनका, हमेशा निर्मल रहते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन है। चौथा है जल। जल सदा निर्मल रहे चाहे कितनी भी गंदी डारो, सारे गंद बैठ जाते हैं जल को ले उनिथारो। जल में कितनी भी गंदगी पड़ जाए, यहाँ गंदगी डालोगे आगे जाल के शुद्ध हो जाती है, अपने किसी भी प्रकार के गंदगी को अपने साथ नहीं रखती है, गंदगी को छोड़ देती है, इसीलिए जल को पवित्र कहा और इसीलिए जल में से भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार मैं जल को अपना गुरु मानता हूं। फिर उन्होंने बोला चौथे गुरु हैं अग्नि। अग्नि मेरे चौथे गुरु जो सब कुछ ले खाए फिर भी परम पवित्र हैं सब कुछ देव पचाए, ना उनके कोई पात्र है ना ग्रहण करे आग, ऐसे ही योगी जन रहते हैं धारण करके परम विराग। परम वैराग धारण करते हैं, अग्नि के पास कोई पात्र नहीं है, अग्नि सबको जला के भस्म कर देते हैं, उनका काम ही है पवित्र कर देना भस्म कर। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा
समरथ के नहीं दोष गुसाई, समरथ के नहीं दोष गुसाई। हार भी पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ के गोसाई, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे से भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, पांचवा गुरु मेरे चंद्रमा हैं, जो प्रतिदिन बढ़ते और घटते रहते हैं। ठीक ऐसे ही मनुष्य का शरीर कभी बच्चा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, परंतु उसमें रहने वाला आत्मा ना तो युवा होता है, ना वृद्ध होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। मैं उसी आत्मा को देखता हूँ, शरीर के बढ़ने घटने को देखने वाला शरीर के बंधन में होता है, इसीलिए मैं इन्हें अपना पांचवा गुरु मानता हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा, मैंने सूर्य से शिक्षा ली कि उनके किरणों, सूर्य का तो बता दिए ना, सूर्य भगवान किरणों से जल को संचित करते हैं और पुनः वर्षा करके वापस देते हैं। ठीक उसी प्रकार योगी को चाहिए कि आने समय आने पर अपने तपोबल से असहाय की रक्षा करे और जिससे ले उसके लिए भजन करके उसकी कल्याण की कामना करे। सातवां गुरु कबूतर को बताया, कहते हैं कि बहेलिया छल से कबूतर के बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता है
और बच्चे की मुँह में आकर के कबूतर और कबूतरी भी उसके जाल में फंस जाते हैं। योगियों को स्नेह के बंधन में पड़ने से कलेश ही कलेश उठाना पड़ता है, इसलिए अधिक स्नेह और अधिक मोह को बढ़ाना नहीं चाहिए। आठवां गुरु अजगर को बताया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दासम लुक्का कह गए सबके दाता राम। हे यदु, हे राजन, अजगर से मैंने यह शिक्षा ली कि शरीर में देह बल, इंद्रिय बल और मनोबल तीनों होते हुए भी वो निश्चिंत पड़ा रहता है। वो कोई भी ऐसा चेष्टा नहीं करता, फिर भी उसकी उदर पूर्ति हो जाती है। नौवें गुरु, मैंने समुद्र को बनाया और उनसे गंभीरता की शिक्षा ली। साधक को उच्छल नहीं होना चाहिए, समुद्र की कोई थाह नहीं होता। उसी प्रकार से साधक को स्थिर होना चाहिए, साधना की कोई सीमा नहीं है। साधक को हमेशा अपने अंतर में देखना चाहिए। दसवें गुरु मेरे कौन है? कीट पतंग। जलता दीपक देख के आवे कीट पतंग, पंख जले मर जाते हैं, खत्म जीवन का रंग। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ठीक ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो क्षणिक सुख के लिए अपनी इंद्रियों को बस में करके रखे। अगर बस में ना करके रखे तो क्षणिक सुख, क्षण पल के सुख होवे, क्षण पल के सुख होवे, फिर विरह को जाए, तप बल जोग नाश करे, खुद भी नष्ट हो ही जाए। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, हे राजन, साधक को अपने इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए क्षणिक सुख के लिए। उसे पतंगे की तरह विषय को देख करके नहीं भागना चाहिए, नहीं तो उसके भी पंख जल जाते हैं, अर्थात तप बल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 11वां गुरु हैं भौरे। भौरा जानते हैं ना? गोपियों ने कल भ्रमर गीत सुनाए थे ना? भौरे से मैंने सार ग्रहण किया, शिक्षा लिया कि सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों की तरह अधिक सुख सुविधाओं और प्रपंच में न पड़े, अन्यथा उसे घोर संकट उठाना पड़ता है। क्या संकट? भमरा जो कठिन काष्ठ को काटे, कमल में बंद हो जाता है, कमल सुगंध पराग में फंसके, भवरा भी मर जाता है। कठिन लकड़ी को छेद कर देता है भामरा,
सुखी सुखी बड़ी बड़ी लकड़ियों में छेद कर देता है, लेकिन कोमल कमल के फूल के अंदर बंद हो जाता है और उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अधिक प्रपंच में ना पड़े। उसके बाद बारहवां गुरुदेव दत्तात्रेय के कौन है, मधुमक्खी। चुनत राग पराग जी, फूल फूल जावे राग बटोरे मुख में, मेहनत से शहद बनावे। इतनी परिश्रम करके वो शहद बनाती हैं और उनका शहद जब तैयार होता है तो या तो जंगली जानवर खा जाते हैं या कोई आके शहद छुड़ा लेता है। श्री आश्रम में हम लोग नहीं छुड़ाने देते, बाहर में तो मधुमक्खी वाले घूमते रहते हैं, धुआं धक्कड़ करके भगा देते हैं और छत्ता निकाल देते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसी प्रकार से अधिक परिश्रम कर सन्यासी को अपनी आवश्यकता से अधिक भिक्षा भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए और संग्रही नहीं होना चाहिए। अगर साधक संग्रही होगा तो अपने देख रेख संभालने में ही उसका अधिक समय व्यतीत हो जाता है। तेरहवें दत्तात्रेय जी के तेरहवें गुरु हैं हाथी श्री राधे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हाथी रात्रि को जब चलता है तो हाथी फंसाने वाले नकली हाथी घास फूस का बना करके और जाल लगा के रखते हैं और हाथी उसको समझता है कि ये कोई हथनी है, काम के बसी भूत होकर के उस जाल में फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार साधु संत साधु पुरुष को कभी भी भूल से स्त्री आदि की फोटो आदि ना देखे और ना उनका स्पर्श करे, ना उनसे संपर्क में जाए। श्री सुखदेव जी पूछते हैं, श्री परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु स्त्री माँ होती है, बहन भी होती हैं और बहुत से संबंधी भी होते हैं। सुखदेव जी बोलते हैं फिर भी उनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से कौन सा पंद्रहवा बोला था, तेरहवा, चौदह, पंद्रहवा नहीं चौदहवा, जो मधु निकालते हैं उनको भी मैंने उनसे ये शिक्षा ली कि संसार के लोभी पुरुष इतने कठिन सा से धन इकट्ठा करते हैं और उसे ना दान में लगाते हैं ना अपने भोग में लगाते हैं और उसे काल क्रम में बंद करके मर जाते हैं और उसे उनके आने वाले संतति और दूसरे लोग ही भोगते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अगर वो धन कमाता है तो उससे शुभ कर्म करे और उसका उपभोग भी अच्छी प्रकार से करे। पंद्रहवा, हिरण को उन्होंने अपना शिक्षा गुरु माना। उन्होंने बताया हे राजन, मनुष्य को ज़्यादा संगीत राग आदि में नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी मन को आकृष्ट करते हैं। जैसे हिरण को मारने वाला बहेलिया बंसी बजाता है और हिरण उसके धुन में राग में आँख बंद करके खड़ा हो जाता है और बहेलिया आकर उसकी हत्या कर देता है।
उसी प्रकार साधक को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। सोलहवा है मछली। मछली से मैंने ये शिक्षा ली कि रसपान नियंत्रण करने की शिक्षा ली है, क्योंकि मछली पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, कांटे में मांस लगा देते हैं और कांटे को नदी में तालाब में फेंक देते हैं और मछली आती है रस और लोभ में आकर के कांटे को निगल जाती है और वो फंस जाती है और तड़प तड़प के मर जाती है। इसीलिए इस संसार में जितने भी अच्छी चीजें दिखती हैं वो उतने अच्छी नहीं होती। हमारे गुरुदेव ने कहा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। रूखा सूखा खा के रहो, ज्यादा चुपड़ी के चक्कर में मत। इस प्रकार से सत्रहवा पिंगला वैश्या। जय जय श्री राम। पिंगला नाम की एक वैश्या थी। सुनना है? सुने हैं? नहीं सुनाया? नहीं मैंने। सुनना है क्या? अच्छा, पौराणिक कथा है पिंगला का है? हाँ, महाराज जनक के यहाँ उनके राज्य में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। बड़ी ही सुंदरी थी। अति सुंदर थी पिंगला। जय जय श्री राम। चलो सुनाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम की वैश्या बड़ी ही थी रूपवान जी। उसके आगे पीछे घूमते थे नगर के सभी धनवान जी। रूप राशि की सुंदरी, गुण से भरी अपार, लोग उसके पीछे चलते थे, भूल जाते थे घर और बार। पिंगला की उम्र बढ़ती गई, पिंगला की उम्र बढ़ती गई, आया ऐसा दीन, कहते हैं सब संत जोगी रहे ना कोई हरदम रंगीन। ऐसा समय आया कि पिंगला
एक दिन महाराज जनक के राज्य की बड़ी सुंदर वेश्याओं में थे। कहते हैं महाराज जनक के राज्य में भी नृत्य करने जाती थी, बड़े बड़े व्यापारी पीछे आगे लगे रहते थे, पिंगला पिंगला। उम्र ढला कोई पूछे नहीं, पिंगला बैठी द्वार जी। उम्र ढला कोई पूछे नहीं, पिंगला बैठी द्वार जी। उम्र ढला कोई पूछे नहीं, पिंगला बैठी द्वार जी। उम्र ढला कोई पूछे नहीं, पिंगला बैठी द्वार जी। रूप धन और यश के पीछे, रूप धन और यश के पीछे भागे है संसार जी, भागे है संसार जी। रूप धन और यश के पीछे भागे है संसार जी, रूप धन और यश के पीछे भागे है संसार जी। और पिंगला सुबह से बैठी दोपहर हुई, दोपहर से शाम। सुबह से बैठी दोपहर, दोपहर से शाम। कोई भी ग्राहक आया नहीं, ना बना कोई काम। कोई भी ग्राहक आया नहीं, नहीं बना कोई काम। अब तो पिंगला एक दिन बैठी, दो दिन बैठी, तीसरे दिन उदास। एक दिन बैठी, दो दिन बैठी, तीसरे दिन उदास। पिंगला हो गई दुखी बिचारी, जीवन नावे रास। पिंगला हो गई दुखी बिचारी, जीवन नावे रास। अब पिंगला दुखी हो गई, जीवन का रास। एक दिन देखती है और पिंगला के नगर से एक फकीर रोज गुजरता था। जब वो जवान थी तो भी वो फकीर आता था और वो फकीर गाता हुआ जाता था गलियों में। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात होगी, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी। मैं जो कहता हूँ सुन ले, मेरी सही सब बात होगी। मैं जो कहता हूँ जो मेरी सही सब बात होगी, मैं जो कहता हूँ सुन ले, मेरी कही सब बात होगी। मैं जो कहता हूँ मेरी सही सब बात होगी। और वही फकीर आता है, पिंगला बोलती है ओए बाबा 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 रुक 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 बाबा जी रुको। बाबा जी रुक गए, पिंगला गई बोली कि तुम कौन हो, क्या करते हो? जब मैं जवानी चढ़ रही थी तब से मैंने तुम्हें देखा और ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हो। फकीर ने कहा, संत ने कहा कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरा काम है लोगों को सोए हुए को जगाना। किसको? सोए हुए को जगाना। बोली कि अभी दिन तो है नहीं, कोई सो तो नहीं रहा है। संत ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोली पिंगला। बोले नाम तो कितना सुंदर है, योगी लोग तुम्हारा नाम लिया करते हैं, ईडा पिंगला श्रीया।
मोहनिशा में सोई हो तुम जागो पिंगला जागो। मोहनिशा में सोई हो जागो पिंगला जागो। हे मोहनिशा में सोई हो तुम जागो पिंगला जागो। मोहनिशा में जागी हो तुम सो पिंगला जागो। छोड़ो जग का सारा नाता हरि जाके लागो। छोड़ो जग से सारा नाता हरि से नाता जोड़ो। हाँ तोड़ो जग से सारा नया नाता हरि से जाके लागो। तोड़ो जग से सारा नाता हरि से जाके लागो। फकीर ने कहा तोड़ दो सब हरि से लग जाओ। तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है तुम थक गई हो, रोने लगी। बोली हरि कैसे मिले। कैसे मिले बताओ। संत ने कहा दो प्रकार से मिलते हैं, या तो तुम हार जाओ और हार करके उसको पकड़ लो, या तो सबको हरा दो तब पकड़ लो। बोली समझे नहीं। बोले हारो मतलब सब उसको दे दो, श्री सारा उसको समर्पित कर दो। हार जाओ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा न तुम हो, तुम भी अपने आप को दे दो और बस एक वह रह जाए। और या तो जीत लो सब कुछ। बोली वो तो संभव नहीं है, हार तो चुकी हूं मैं, उसे और कितना है हारने के लिए तुम्हारे पास। बोली अब हृदय बच्चा है, बोले वो भी समर्पित कर दो। कहते हैं उस दिन के बाद पिंगला कभी भी दरवाजे पे बैठी हुई किसी को नहीं मिली। फिर फकीर आए, आवाज दिए पिंगला पिंगला पिंगला। बाहर आई तो बोलते हैं उसने इतनी घूंघट करी रही थी। बोले क्यों शर्म लग रही है। बोली नहीं अब तो मैं श्याम की हो चुकी हूं, ना मुझे किसी को देखना है और ना किसी को दिखाना है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उससे वैश्या से ये शिक्षा ली कि आशा ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है, इसलिए साधक को कभी भी किसी की आशा नहीं करनी चाहिए और निराशा से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग आने से घर गृहस्थी आदि जैसे बड़े बड़े विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद 18वां गुरु कुरर पक्षी, जिससे मैंने ये शिक्षा ली कि वह अपने ही घर पे अपने चोंच में मांस का टुकड़ा ले करके, उसकी आदत होती है मुंह में मांस का टुकड़ा ले करके घूमता है और वो धीरे धीरे खाता है। इतने में दूसरे पक्षी आके उस पर आक्रमण कर देते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कुरर पक्षी से मैंने ये शिक्षा ली कि अपने ही घर भोजन करे किसी के मुंह में आकर के भोजन का एक टुकड़ा लेकर कहीं न जाए, नहीं तो बलवान पक्षी जैसे चोंच मार करके पक्षी को घायल कर देते हैं और टुकड़े को त्यागने पर उसे चैन मिलती है। ऐसे ही संसार में मनुष्य इतने परिश्रम करके सब चीज़ संग्रह करता है
और उसे कोई दूसरा छीन लेता है, ले लेता है, और वह उसी के विरह में अपना जीवन खत्म कर लेता है। 19वां बालक जिससे मैंने ये शिक्षा ली, जब भूख लगता है तो दूध के लिए, भोजन के लिए रोता है, अन्यथा वो अपने आनंद में रहता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि वो हमेशा प्रसन्न रहे और अपनी आत्मा में ही रमण करें। 20वां गुरु कुमारी कन्या, राजा ने पूछा कुमारी कन्या से, इसमें क्या कौन सी शिक्षा मिली आपको? बोले राजन, मैं एक बार घूमते घूमते किसी गांव में गया, मैं किसी के घर के पीछे रुका हुआ था, उस घर में कोई लड़की देखने के लिए आए, उस समय उसके घर में अनाज नहीं था, उसकी माँ धान कूट रही थी, चावल निकाल रही थी, संबंधी आके घर में बैठे हुए थे, लड़की के हाथ में चूड़ियाँ थी, जैसे वो मुसल मारती थी छन छन की आवाज़ आती थी, माँ ने कहा एक एक करके चूड़ियाँ उतार दे, उतारती गई, दो चूड़ी भी आवाज़ करती थी, उसमें से एक को उतार दिया, जब एक रह गया तो कोई आवाज़ नहीं हुआ। मैंने उससे यही शिक्षा लिया कि योगी साधक भक्त योगी और साधक को अकेले रहना चाहिए, दो होंगे तो वहाँ पे ज़रूर ही कोई न कोई वार्तालाप खटपट होगी और चित्तवृत्ति इधर उधर भटक जाएगी, इसलिए साधक को हमेशा एकांत और अकेले में रहना चाहिए। इक्कीसवां गुरु हैं दत्तात्रेय जी के, बाण बनाने वाला व्यक्ति। कहते हैं वो एक बार जा रहे थे, बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को बना रहा था, जो भेद करने वाला होता है वो बाण बनाने में इतना मग्न था कि उस रास्ते से सवारी निकल गई और उसे पता नहीं चला। ऐसे ही योगी जन अपने मन बुद्धि और चित्त रूपी बाण से अपने आत्मा का भेद करते हैं, अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, आत्मा तक पहुँचते हैं, इसीलिए साधक को बाण की तरह रहना चाहिए। तभी सन्यासी को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आसन और श्वास पर नियंत्रण करे, क्योंकि श्वास भी बाण की तरह हमारे शरीर से निकलता है। आता जाता है। 22वां गुरु सर्प को बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं सर्प से हमने शिक्षा ली, सन्यासी को अकेले ही रहना चाहिए, अकेले ही विचरण करना चाहिए, मंडली बनाकर ना घूमे। 23वां गुरु उन्होंने भृंगी को बताया। भृंगी एक छोटी सी मधुमक्खी जैसी कीड़ा होती है। अभी गर्मी आएगा तो आश्रम में चारों तरफ भृंगी अपना घर बनाएगी, और मैंने भृंगी के ऊपर संशोधन किया है। भृंगी क्या करती है, मिट्टी का घर बनाती है और उसमें मकड़ी मक्खी ततैया किसी को भी जबरदस्ती पकड़ कर के ले जाके घर में बंद कर देती है, और वह जीव जो उसके घर में बंद होता है उसके भय से भयभीत हो जाता है और उसी का चिंतन करता है, और भृंगी वहाँ पे बैठ के भिन 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 करती रहती है
और अंदर में रहने वाला कीड़ा उसी का चिंतन करते करते उसी का स्वरूप बन जाता है। मैंने ये देखा है तोड़ करके घर में, जब छोटा था तब तोड़ दिया मैंने देखने के लिए, आधा भिरंगी था आधा वो था फितिंगा, उसके बाद मैंने नहीं तोड़ा। तो वो भृंगी का चिंतन ऐसे ही साधक योगी जन ईश्वर आत्मचिंतन करते करते ईश्वर के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, ब्रह्म को ध्यावे ब्रह्म बन जावे, ब्रह्म को ध्यावे ब्रह्म बन जावे, विषय में विषय कहावे जी, विषय में विषय कहावे जी, जाकी जैसी कामना करम हो, जाकी जैसी कामना करम हो, सो वैसा ही बन जावे जी, सो वैसा ही बन जावे जी, राम भज राम भज प्यारे, राम भज राम भज प्यारे, अलग नहीं तुम राम जी तुम्हारे, अलग नहीं तुम राम जी तुम्हारे, श्री कृष्ण गो गुरु है मकड़ी, कहते हैं मकड़ी बनावे जाल लार से, फांसे जीव और जंतु जी, मकड़ी बनावे जाल लार से, फंसावे जंतु जी, लकड़ी मकड़ी बनावे जाल लार से, फसावे जीव अरु जंत जी, मकड़ी बनावे जाल लार से, सावे जीव आए जन्म
एक दिन खुद फंस के मर जाती है, कहते हैं ऐसा सब संत जी। एक दिन खुद फंस के मर जाती है, कहते हैं ऐसा सब संत जी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कभी ना करना संग्रह साधक, कभी न करना संग्रह साधक, फसना न मोह के जाल जी, फसना न मोह के जाल जी। जैसे तुम उलझो मकड़ी, कभी ना मकड़ी के जैसा घर ना बनाना, मकड़ी के जैसा घर ना बनाना। मोह माया में फंस नहीं जाना, मकड़ी के जैसा करना नहाल जी, मकड़ी के जैसा करना नहाल जी। कहते हैं मकड़ी के जैसा संग्रह मत करना, घर मत बनाना, जाल मत बनाना, माया मोह में मत फंसना, नहीं तो उसी की तरह उलझ करके श्री संत सब कहते हैं निर्विकार साधु सन्यासी को मस्त रहना चाहिए, ज्यादा बनावे में नहीं पड़ना चाहिए। आवे लुटा दो, भगा दो, फेंक दो, दे दो, ज्यादा अपने पास मत रखो, और नहीं तो श्री राम। इस प्रकार यदुराज और दत्तात्रेय भगवान की संवाद को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं यदुराज मनुष्य को बड़ी ही कठिन परिश्रम करने के बाद यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है,
इसकी महत्व को उसे जानना चाहिए। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को सत्य नहीं मानता है, शरीर को सिर्फ कर्म करने के लिए प्राप्त है ऐसा मानता है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मृत्यु से पहले ही मोक्ष मार्ग हरि स्मरण के द्वारा प्रशस्त कर लेना चाहिए। जैसे मनुष्य नित नियम में सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना और कारोबार के लिए चले जाना, संध्या को आता है, अपने पत्नी बच्चे परिवार सगे संबंधियों से मिलता है, कुटुंबियों से मिलता है और मनोरंजन आदि करके सो जाता है, सुबह उठ करके वही कर्म करता है। अपने जीवन में भगवत साधना के लिए जैसे रोजगार है, काम है, व्यापार है, मिलना जुलना है, सब के लिए हम समय निकालते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में नियम बना करके ईश्वर चिंतन के लिए भी समय निकाल लेना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार जीवन को व्यतीत करते हैं वो व्यथित नहीं होते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार लौकिक और परलौकिक भोगों की आसारता का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वर्णन किया, बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण का वर्णन किया। इस प्रकार सत्संग की महिमा और कर्म त्याग की विधि बताई, हंस रूप में सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन किए, उसके बाद भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान की विधि एवं वर्णन एवं भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम एवं लक्षण का वर्णन किए। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद उद्धव जी को भगवान की विभूतियों का तथा वर्ण आश्रम का वर्णन करते हैं। उसके बाद भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों का वर्णन करते हैं। उसके बाद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन करते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक तितिक्षु का इतिहास और सांख्य योग का वर्णन करते हैं। उसके बाद तीनों गुण और वृत्तियों का निरूपण करते हैं। पूर्वा की वैराग्य युक्ति की कथा सुनाते हैं। उसके बाद क्रिया योग का वर्णन करते हैं। उसके बाद परमार्थ क्या है इसका निरूपण करते हैं। उसके बाद भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी को बद्री का आश्रम जाने का आदेश देते हैं और उद्धव जी भगवान से आज्ञा लेकर के भगवान में विरह व्यथित हो करके बद्री का आश्रम चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ, वहाँ वह मेरा ही आश्रय है, वहाँ मेरे चरणों की धोवन गंगा जल के स्नान पाओ, पान के द्वारा सेवन करने से तुम पवित्र हो जाओगे, अलकनंदा के दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है दिया है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त को मुझ में ही लगाए रखना, मेरे बताए हुए भगवत धर्म का प्रेम से चिंतन करना और उसमें रम जाना, अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान के सात परिक्रमा किए। उसके बाद वो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। उनके बद्रिका आश्रम जाने के बाद भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में
अद्भुत लीला रची। भगवान ने अपने कुल में जो ब्रह्म श्राप से ग्रस्त होने से विनाश की तरफ जा रहा था, उसका लीला संवरण कैसे करेंगे? परीक्षित जी बड़े उत्सुक होकर पूछते हैं। यदवंशियों को भगवान बुलाते हैं, सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदवंशियों को बोलते हैं, यदवंशियों हमारे ध्वजा के समान महान अनिष्ट यमराज के, ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे सामने अनिष्ट की सूचना हो रही है। अब हम लोगों को यहाँ पे घड़ी दो घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। तुम लोग सभी शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ सरस्वती जी की पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है, वहाँ पर तुम लोग जाकर के पवित्र जल में स्नान करना और वहाँ पे अपने जीवन को सुख शांति से गुजारना। भगवान की आज्ञा पाकर यदुवंशी नदी नाव में घोड़े रथ आदि से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ जो यहाँ रह जाते हैं मोह में बंधे हुए, जैसे भगवान की रानी पटरानी और विशिष्ट लोग इधर ही रह जाते हैं। बलराम जी समझ गए, पहले ही देवताओं ने स्तुति कर लिया था। बलराम जी समुद्र के तट पर बैठते हैं और परमात्मा का चिंतन करते करते आत्म रूप में स्थित हो करके अपने पंचभौतिक शरीर को वहीं छोड़ देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को इसकी सूचना मिलती है तब भगवान भी श्री राधे नगर से बाहर पीपल के जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। भगवान पीपल के ओट में ऐसे लेट जाते हैं, अपने एक पांव पे दूसरे पांव को ऐसे कर चढ़ा लेते हैं और दूसरे पांव को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। भगवान की अद्भुत छटा छटक रही है, उनके नीलवर्ण के शरीर से अद्भुत कांति निकल रही है, चारों तरफ अद्भुत छटा छिटक रही है। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके देवता लोग आँखों में आंसू भर लेते हैं। भगवान का चरण इस प्रकार से भगवान हिलाते हैं, लाल लाल तलवा रक्त के समान चमक रहा था। इधर वो बहेलिया जिसका नाम जरा था, वही ऋषियों ने जो श्राप दिया था मुसल वाला टुकड़ा अपने बाण में लगा करके जंगल में तीर धनुष ले करके घूम रहा था शिकार के लिए। भगवान के चरण कमल को देख करके रुक गया, उसने सोचा कोई बहुत प्यारी सी हिरण है, कितने सुंदर लाल लाल उसके मुख और कान दिख रहे हैं। और जरा ने निशाना साध करके भगवान के श्री चरण को बिंद दिया। जैसे ही बिंदा भाग करके आया तो देखा ये तो चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। बहेलिया दुखी हो गया और रोने लगा, चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जरे तू डर मत, उठ उठ, तुमने तो मेरे मन का किया है,
मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास करेगा, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य आत्माओं को होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण बहेलिया जरा से बात कर ही रहे थे कि उतने देर में दारुक उनका दिव्य रथ लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। दारुक भगवान को ऐसी अवस्था में देख करके भूमि पे लेट जाते हैं, दंडवत करके एक छोटे बच्चे के जैसे बिलख बिलख कर रोने लगते हैं और भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, आज मुझे सब चीज़ें घूमती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है, अब मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है, मैं क्षुब्ध हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। हे मेरे हृदय में रमण करने वाले, चारों तरफ अशांति ही अशांति हो गई है, आप शांति स्वरूप हैं, मेरे हृदय में निवास करिए। अभी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में भगवान के रथ घोड़े और सभी आयुध उसके सामने देखते देखते आकाश मार्ग में जाने लगे। इस प्रकार भगवान ने दारुक को बोला, दारुक, भैया बलराम जी भी परम गति को प्राप्त हो गए और मैं भी अब अपने लोग को जाना चाहता हूँ। तुम द्वारिका में जा कर के सभी को ये सूचना दे दो और सभी को बोल देना जितना जल्दी हो द्वारिका को खाली कर दें, नहीं तो समुद्र मेरे बाद सभी को अपने में समेट लेगा। मेरे जाते ही चारों तरफ कलयुग का प्रभाव प्रबल हो जाएगा। श्री राधे। इस प्रकार भगवान दारुक को आदेश दे करके अपने दिव्य शरीर को पंचभूतों में विलीन कर लेते हैं और ब्रह्मा शिव समस्त ऋषि मुनिगण स्तुति करते हैं। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आकाश मार्ग से जाते हैं और गोलोक में स्थापित हो जाते हैं। इधर दारुक ने देखा भगवान एकदम अदृश्य हो गए, वो और भी भयभीत और विह्वल हो गया। वो द्वारिका पहुँचता है और सभी को भगवान की सूचना देता है। भगवान की सभी पटरानियाँ भगवान को याद करके अपने योग बल से शरीर को अग्नि के हवाले कर देती हैं। रुक्मिणी जी भी भगवान के जैसे ही अदृश्य हो जाती हैं। भगवान की प्रियतमा पटरानियाँ रानियाँ सब उनके विरह में जो जहाँ थी वहीं पर ईश्वर में लीन होकर के शरीर छोड़ देती हैं। और इतने में जो मृत यदुवंशी थे उनकी रानियाँ उनके साथ सती हो रही हैं, उनके वंश में वहाँ कोई श्राद्ध करने के लिए नहीं बचा। उस समय बताते हैं भगवान अर्जुन जी ने यदुवंशियों का श्राद्ध किया और जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ वैसे ही समुद्र की लहरें आईं और सारी द्वारिका को। श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बची हुई रानियां पटरानियां जो थी उन्हें लेकर अर्जुन यहाँ आने लगे थे, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर के पास आने लगे थे, उसी समय भीलों ने उन्हें लूट लिया था। ऐसी अवस्था में जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर के पास आकर के उन्होंने सूचना दी तो उन्होंने तुम्हें राजगद्दी दे करके पांडवों ने हिमालय की शरण ले ली थी। अब
मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई, तुम उनके वंशधर हो, तुम्हें राजपद देकर अभिषेक करके हिमालय चले गए थे। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया, कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राज्य युग धर्म कलयुग के दोष से बचने का उपाय और नाम संकीर्तन का वर्णन करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर नहीं कलि कर मन धर्म विवेको, नहीं कलि कर मन धर्म विवेको, राम नाम अवलम्ब लहे को, राम नाम अवलम्ब लहे तो। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से कलयुग में मनुष्य को ज्यादा कर्मकांड, वेद पाठ आदि में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। और अधिकतर मनुष्य आधा आधा ही रह जाता है। इसीलिए भगवान का नाम संकीर्तन गुरु के द्वारा ही दिया हुआ मंत्र का चिंतन आदि करके भगवान में लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी उनसे पृथक नहीं हैं, उन्हीं की प्रसादी लीला और उनकी कृपा लीला है। हे राजन, अब तुम इस सभी प्रकार के बंधनों को छोड़ दो। अंतिम उपदेश देते हैं सुखदेव जी परीक्षित, ना तुम मृत्यु ना तुम ना तुम मृत्यु ना तुम जन्म हो, ना तुम मृत्यु ना तुम जन्म हो, ना तुम कर्म किए ना तुम कर्म हो, ना तुम देह हो ना तुम भवन हो, ना तुम देह हो ना तुम भवन हो, ना तुम देह हो ना भवन हो। हे परीक्षित, इस प्रकार से आत्मचिंतन करो, ना तुम हाथ हो ना तुम पाँव हो, ना तुम हाथ हो ना तुम पाँव हो, ना तुम परीक्षित ना तुम नाम हो, ना तुम परीक्षित ना तुम नाम हो, दिव्य चैतन्य
अज्ञान का करो नाश जी, अज्ञान का करो नाश जी। परीक्षित जी हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं, प्रभु ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बंधन हूँ, मैं इन सभी बंधनों से बाहर हो गया हूँ, मैं देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र व्याप्त हैं, मुझ में भी कृष्ण है, आप में भी कृष्ण है, मुझ में भी आप में भी कृष्ण है, कृष्ण ही कीरस आ कृष्ण ही कृष्ण लखाऊं, कृष्ण ही कृष्ण लखाऊं, करिए करिए कृपा अब गुरुदेव मेरे, करिए कृपा गुरुदेव मेरे, कृष्ण में मैं मिल जाऊं, कृष्ण में मैं मिल जाऊं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रकार परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के समक्ष चित्त वृत्तियों का अभ्यास करके शरीर से अलग हो जाते हैं। जब शरीर से अलग हो जाते हैं उस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आत्म स्वरूप परीक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मस्वरूप, क्योंकि उन्होंने उस समय परीक्षित के पंच भौतिक शरीर को नहीं देखा। क्या देखा? आत्मा को देखा। और सुखदेव जी महाराज खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं श्री राधे। उस समय परीक्षित जी कहते हैं कि मैं पूजा करूं तो किसकी, मुझ में और आप में कोई भेद तो रही नहीं, मुझ में तुम हो और तुम में मैं, एक एकाकार वृत्ति हो गई, सर्वात्म दर्शन होने लगा। और उसी समय श्रृंगी ऋषि के श्राप की अवधि, समय की अवधि भी पूर्ण हो रही है। तक्षक परीक्षित जी को डसने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण, जो सर्प विष उतारने में अत्यंत निपुण था, वो भी परीक्षित जी के पास आ रहा था कि जैसे ही हमारे राजा को तक्षक काटेगा वैसे ही मैं उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने
उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और बोला तुम घर जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ब्राह्मण देवता घर चले गए। तक्षक उसी ब्राह्मण के रूप में आता है और परीक्षित जी ध्यान लगा के बैठे हैं, शरीर से अलग उसने आके पंच तत्व के शरीर को शरीर दस लेता है, उसके दसते ही शरीर जल कर भस्म हो जाता है। परीक्षित जी विस्मित होते हैं, तक्षक को भी पता है कि परीक्षित इसमें नहीं है, परंतु श्राप तो शरीर को ही है और शरीर का नाम ही परीक्षित है, राजा है। जितने भी बंधन है सिर्फ शरीर का है, आत्मा का नहीं है। इसीलिए शरीर में बंधना ही दुख का कारण बन जाता है। दुख शरीर से उत्पन्न होता है और शरीर में ही शरीर सुख भी जो हम लोग क्षणिक अनुभव करते हैं वो शरीर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन जो परम सुख है, आत्मानंद स्वरूप है, वो तो इसी प्रकार प्राप्त होता है। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज वहां पे सबके देखते हुए दिव्य चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करके और भगवान के दूतों के साथ, उसी समय भगवान के दूत वहां पधारते हैं, क्योंकि परीक्षित जी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम बोलते हुए भगवान का नाम जो लेते हैं अंतिम में, उनको लेने के लिए कौन आते हैं? भगवान के दूत आते हैं। और पृथ्वी परीक्षित जी दिव्य विमान पे बैठते हैं, तक्षक भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, और भगवान के धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार सौनक जी ने कहा मार्कंडे जी की तपस्या, वर प्राप्ति और माया दर्शन और भगवान शंकर जी का वरदान की कथा सुनाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा को समाप्ति दिया। आगे के संवाद में यमुना जी और कृष्ण जी की पत्नियों का संवाद भी है, कीर्तन उद्धव जी का प्रकट होना भी है, ये सब भागवत जी के महात्म में है। परीक्षित जी के जाने के बाद अब देखिए ज्ञान क्या होता है। परीक्षित जी 7 दिन तक कठोर तपस्या, इतना कठोर साधना करके भगवान के चरित्र को सुना उन्होंने। भगवान के चरित्र में भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य सब है, और उन सभी के साथ सबको ग्रहण करके परीक्षित जी अपने साथ दिव्य चैतन्य आत्मा के साथ क्या देखा उन्होंने? यही देखा कि संसार में जितनी भी चीजें हम देखते हैं
तो सब सिर्फ बंधन माया मोह। और इन चीजों में पढ़ करके हम दुख को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जितना समय मिले भजन में व्यतीत करिए, जितना समय मिले ईश्वर चिंतन में व्यतीत करिए, नाम जप में व्यतीत करिए, आत्मज्ञान हो ना हो उसकी चिंता नहीं करना है, नाम ज्ञान हो। हम लोग सब काम करने के लिए समय निकाल लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक सब चीजें, रोटी बनाना है, दाल बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, खाना है, खिलाना है, व्यापार करना है, जॉब करना है, सब चीजों के लिए समय निकालते हैं। इसी प्रकार अपना नियम पूर्वक चिंतन का भी समय निकालें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चिंतन के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। सब कोई हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत जी की परम कृपा से हम सभी ने भागवत जी की कथा श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किए। अब भागवत जी का थोड़ा महात्म और नाम संकीर्तन करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
परम पुराण श्रीमद् भागवत परम पुराण श्रीमद् भागवत भक्ति मुक्ति दाता जी भक्ति मुक्ति दाता जी सहज ही सब अज्ञान मिट जावे सहज ही सब अज्ञान मिट जावे जो इनके पास आता जी जो इनके पास आता जी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमद् भागवत ऐसा जानिए श्रीमद् भागवत ऐसा जानिए श्री कृष्ण के स्वरूप जी श्री कृष्ण के स्वरूप जी जो भी इनका पठन पाठन करे जो भी इनका चरण पाठन करे पढ़े नहीं भव को पढ़े नहीं भव को भगवत जी को जानिए भक्ति ज्ञान वैराग जी भगवत जी को जानिए भक्ति ज्ञान वैराग जी भक्ति ज्ञान श्लोक जो पढ़ते हैं नित्य मिले कृष्ण अनुराग जी पांच श्लोक पढ़ते हैं मिले कृष्ण अनुराग जी
प्रेम रस भरा है भागवत जी में जानो जी भगवत लीला प्रेम रस भरा है भागवत जी में जानो जी आत्मज्ञान तत्व है सारे अपने को पहचानो जी आत्मज्ञान तत्व है सारे अपने को पहचानो जी जो सुने भागवत जी अज्ञान नाश हो जो सुने भागवत जी अज्ञान नाश हो कृष्ण की कृपा पावे जी कृष्ण की कृपा पावे जी कृष्ण कृष्ण जप जप के भक्त जन कृष्ण कृष्ण जप के भक्त जन गौलोक धाम को जावे जी गौलोक धाम को जावे जी अब व्यास जी का वंदन कर लो वंदन करो सुखदेव की व्यास जी का वंदन कर लो वंदन करो सुखदेव जी सुख सन को मना लो बंधन परीक्षित कर ले जी सुख सन का दिख सबको मना लो बंधन परीक्षित कर ले अब क्षमा प्रार्थना कर लीजिए भागवत जी किए हैं सुने हैं कहीं आलस्य आई हो निद्रा आई हो तंद्रा आई हो भागवत जी की कथा सुनने में किसी और से बात किए हो मन बुद्धि इधर उधर गई हो चंचलता हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं अपराध सहस्त्र भाजनम अपराध सहस्र भाजनम पतितं बिम्भवर्णवोदरे पतितं हेमवर्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे अगतिं शरणागतं हरिं कृपया केवलमात्मसात्कुरु कृपया केवलात्मसात्कुरु सब अपराध क्षमा करिए सब अपराध क्षमा करिए मानिए अपना दास मानिए अपना दास चरण कमल भक्ति दीजिए चरण कमल भक्ति दीजिए श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो प्यारी यमुना मैया की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री राधा
कृष्ण भगवान की जय हो। भौरा ब्रज चौरासी कोष धाम की जय हो। यहाँ के सभी पावन तीर्थों की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। ताली बजा के कीर्तन हो जाए 5 मिनट, उसके बाद। अरे भैया अभी रुको, अभी रुक जाओ, कीर्तन हो तब ताली बजाओ। भैया नेता वाले काम करते हो। जय जय श्री राधे 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 रहो सब कोई बैठ जा। सभी लोग बैठे रहे। बैठ के ताली बजाओ आराम से। बैठ के ताली बजाओ। राधे से जिनकी करुणा से जिनकी करुणा कटाक्ष से जिनकी करुणा से अर्थ धर्म काम मोक्ष मिले ते से जिनकी करुणा से अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाते हैं। ऐसे मेरी श्री राधा रानी सहज मिल जाती है। भक्तों को
श्री जी से सब कोई मांगिए, वृंदावन का वास दीजिए, कृष्ण भक्ति होवे। 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 नाम का जाप करूं गौ की सेवा, नाम का जाप करूं गौ की सेवा, नाम का जाप करूं संत की सेवा, नाम का जाप करूं संत की सेवा, नाम का जाप करूं भक्तों की सेवा, नाम का जाप करूं भक्तों की सेवा। ऐसी कृपा कर दो मेरी स्वामिनी जी, कृपा कर दो मेरी स्वामिनी जी, जहाँ भी रहूँ मैं नाम जपूँ, जहाँ भी रहूँ मैं नाम जपूँ, तेरी स्मृति मीटे न मन से, तेरी स्मृति मन से, राधे राधे श्याम श्याम हरदम कहूँ, राधे राधे श्याम श्याम हरदम कहूँ, राधे भानु की नंदिनी।
कभी ना व्यापे काल जी कभी ना व्यापे काल जी मेरा Hola, hola.